नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप लोग अपना बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष चौराहट के। आज एक विशेष जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं और जानकारी यह है कि अगर चलते समय पांव से घप घप की आवाज़ आए, चाहे चप्पल जूता पहन के चल रहे हों या बिना जूता चप्पल पहने चल रहे हों, तो यह संकेत कैसा संकेत है? अक्सर ऐसा होता है और आपने सुना भी होगा, क्योंकि यह संकेत बहुत पहले से दादी अम्मा आदि लोग भी बताया करती थी कि चलते समय आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आज बैठे बिठाए ऐसे ही मैंने विचार किया और विचार करने पे कुछ तर्क सामने आते हैं मेरे। उन तर्कों को मैं आपके समक्ष रखूँगा, समझ में आएगा तो वाह करके एक कमेंट कर दीजिएगा कि वाह लॉजिक है। मेरे साथ तर्क जरूर मिलेगा और यही वजह है कि हमें यूथ का प्यार सबसे ज़्यादा मिलता है। मेरे YouTube पर, मेरे Facebook पर सबसे अधिक अगर कोई हमसे जुड़ा है तो वो यूथ है। 13 साल से लेकर के 30-35 साल के लोग मोर देन 70% है। ये एनालिटिक्स जो होता है, आता है जो YouTube वगैरह के क्रिएटर स्टूडियो में, वहाँ पता चल जाता है। तो मतलब ये ऑथेंटिक मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तर्क होता है मित्रों, जो पांव है यह अंत है, शरीर का आखिर हिस्सा, यहां से शुरू होता है लग्न से और 12वां भाव। ये लग्न भाव है और पांव 12वां भाव है। अंतिम भाव की आवाज अर्थात व्यय की आवाज, क्षय की आवाज, बर्बादी की आवाज, नष्टता की आवाज, ध्यान दीजिएगा, तर्क पे आइएगा, और आवाज खत्म नहीं होता, इस ब्रह्मांड में विचरण करता है। और बर्बादी की आवाज अगर विचरण करेगा तो आपके ही इर्द गिर्द करेगा और आपको ही बर्बाद करके रख देगा। अगर किसी के पांव से आवाज आए, अगर कोई चलते समय घप घप की आवाज़ आए या किसी भी तरह की आवाज़ आती है, जूता चप्पल नंगा पांव कैसे भी आप चलते हो आवाज़ आती है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में, ऐसी महिला जीवन में पनप नहीं पाए कभी। जनरल वे में आप देखेंगे तो जो एक लेवल के लोग होते हैं, कभी भी उनके चलने से आवाज़ नहीं आती। और जिसके चलने से आवाज़ आए, पड़ोसी में देख लीजिए, रिश्तेदारी में देख लीजिए, अपने घर में देख लीजिए, कभी सुखी नहीं पाएंगे। कोई ना कोई दुख का कारण वो स्वतः तलाश करके निकालेगा, कपड़े को लेकर, खाने को लेकर, पैसे को लेकर, शिक्षा को लेकर, व्यापार को लेकर, सब कुछ न कुछ उसके चिंता, तनाव, दोष, खीझ आदि में पड़ा रहेगा। चलते समय अगर आवाज़ आती है तो यह आवाज़ आपके लिए खतरनाक है, नहीं पड़ना चाहिए कानों में आवाज़ चलते समय जूते चप्पल की पाँव की आवाज़। इस पर नियंत्रण रखिए, इस पर कंट्रोल रखिए, इसको बिल्कुल अपने साथ सजो कर रखिए कि मतलब आवाज़ आनी ही नहीं चाहिए। तो ये सबसे बड़ा तर्क है कि कुंडली का 12वां भाव जागृत होने लगता है। 12वां भाव कहीं से भी सकारात्मक नहीं, सुलाने वाला है, शयन सुख का है, मतलब सो गया, सोवा मुआ बराबर, कहावत है ना। तर्क पे आइए ना, एक एक तर्क आप कुछ भी प्रश्न कर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न करिएगा, मैं आपको सिद्ध करूंगा, 100% सिद्ध करूंगा, 100% प्रूव कर दूंगा कि क्यों बुरा है। और प्रकृति द्वारा प्रदत्त दिया हुआ जो पहले से चला आया है, उसी को मैं नए तर्क के साथ, शोध के साथ सिद्ध करूंगा। ये नहीं कि मैं अपना कुछ नया बनाया हूं ना, नया कैसे बना सकता हूं, उठाना तो यहीं से है ना। ये चीज़ तो कोशिश करें कि आप अगर किसी की भी चलने पर आवाज़ आए, आपके घर में बेटी है, बहन है, बहू है, भाई है, माता पिता, कोई भी, तो आप ज़रूर टोकिएगा और टोक करके बताइएगा कि यह आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी और के लिए नहीं। तो कोशिश करना है कि चलते समय पांव से आवाज़ ना आए। हाँ, ठीक वहीं पायल, पाजेब, घुंघरू आदि की आवाज़ शुभ होती है, क्योंकि वो आपके तलवे से नहीं आती, ध्यान दीजिएगा। मुलाकात कर सकते हैं।
5 से 10 जनवरी गाज़ियाबाद और 11 से लगातार गोरखपुर, पटना, रांची, कलकत्ता और लखनऊ, मुंबई, पुणे, इन सारे शहरों में हम रहेंगे। आप मिलने के लिए समय सुनिश्चित कर सकते हैं और मुलाकात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए। हमें अनुमति दीजिएगा, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, श्री राधे।